Okay then. So next topic है autocratic और free rein style of leadership. So autocratic का मतलब क्या होता है? Autocratic के बारे में पहले समझते हैं. Autocratic का मतलब क्या होता है? Autocratic का मतलब होता है कि एक ही बंदे के पास सारा पावर है. जैसे कि डेमोक्रेसी आपने सुना होगा, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. बट ऑटोक्रेटिक ठीक इसका उल्टा हो गया. मतलब पावर किसी एक बंदे के पास होगा, वो जो बंदा बोलेगा वही आपको करना है, उसी के हिसाब से आपको चलना है. ठीक है. सो ऑटोक्रेटिक या फिर ऑथोरिटेटिव जो स्टाइल होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो ये जो मैंने बताया वही चीज है. ठीक है ना. सो एन ऑटोक्रेटिक लीडर इज अ टाइप ऑफ लीडर हु सेंट्रलाइजेस पावर एंड डिसीजन मेकिंग विद इन himself and implement his complete control over its subordinates. ठीक है. तो एक autocratic leader वो होगा जिसके पास centralizes अपने power को, वो centralize कर लेता है, वो सारी चीजें सारे decision वही लेगा, बिना उससे पूछे कोई काम नहीं होगा. ठीक है ना. और जो भी decisions उसको लेना है वो खुद लेगा, वो किसी और से decisions नहीं, मतलब किसी और को वो authority नहीं देगा कि वो decision ले सके किसी चीज को लेकर के. तो एक autocratic leader का मतलब हो गया कि सारी powers उसके पास होंगी, सारा decision भी वही लेगा, और उसके सबॉर्डिनेट्स के ऊपर सारा का सारा कंट्रोल जो होता है उसी बंदे का होगा. इन ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप सबॉर्डिनेट्स आर कंपेल्ड टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द लीडर अंडर द थ्रेट और पेनल्टी. तो इस वाले स्टाइल में, ऑटोक्रेटिक या फिर ऑथोरिटेटिव स्टाइल में क्या होता है, जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो उसके साथ में काम कर रहे लोग होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उन सबको उनके उसके इंस्ट्रक्शंस को, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना जरूरी होता है अंडर द थ्रेट और पेनल्टी. या फिर तो उनको डरा धमका करके करवाया जाता है, या फिर तो पेनल्टी के डर से वो लोग ये काम करते हैं कि भाई नहीं करेंगे तो पेनल्टी पड़ जाएगा. ठीक है. द सबॉर्डिनेट्स आर गिवन नो अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ द गोल सेटिंग और टेकिंग एनी इनिशिएटिव और गिविंग एनी सजेशन. तो इस वाले तरीके में, ये जो काम करने का तरीका है, लीडरशिप है, इस वाले तरीके में जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने में एक्चुअली. तो यहाँ पे सबॉर्डिनेट का रोल को एक तरीके से कम्प्लीटली यू नो दरकिनार कर दिया जा रहा है. बोला जा रहा है कि भाई तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तू बस काम कर रहा है, मेरा काम कर रहा है. बट जो यहाँ पे गोल सेटिंग की बात की गई, वहां पे उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसको कोई मौका नहीं दिया जा रहा कि गोल सेट किया जाए या उस गोल को किस तरीके से अचीव करना है. इस चीज को लेकर के किसी भी तरह का सजेशन भी वो लोग नहीं दे सकते हैं. ठीक है. किसी भी तरह का इनिशिएटिव वो लोग नहीं ले सकते हैं. तो ये चीज यहाँ पे है. दे आर सब्जेक्ट टू क्लोज सुपरविजन एंड दस हैव अ टेंडेंसी टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. तो यहाँ पे एक तरीके से जो सुपरविजन है इसके ऊपर बहुत ही क्लोज एक तरीके से नजर रखा जाता है, और इसी कारण से वो लोग जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक तरीके से अवॉइड भी करते हैं समटाइम्स. They have a tendency to avoid responsibility. वो responsibility नहीं लेना चाहते. जो subordinates होते हैं वो sometimes responsibility नहीं लेना चाहते हैं. ठीक है. क्योंकि उनके ऊपर बहुत ही close supervision रखा जाता है by the autocratic leader. The autocratic manager pays least concern for his employees, employees well-being as they suffer from frustration and low morale. ठीक है. तो एक बंदे से आप सिर्फ काम करवा रहे हो, उसको आप लाइक कोई फ्रीबीज कोई बेनिफिट्स आप उसको नहीं दे रहे हो, इवन वो अपनी बात भी आपके सामने नहीं रख सकता है, तो डेफिनेटली उसका जो काम करने का तरीका है, जो एफिशिएंसी है, वो घटेगा. वो काम ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा, फ्रस्ट्रेट होगा, लो मोराल से वो काम करेगा. तो यहाँ पे ऑटोक्रेटिक मैनेजर जो होता है वो बहुत ही कम ध्यान देता है अपने एम्प्लॉइज के ऊपर कि वो लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरह का फ्रस्ट्रेशन से वो लोग एक तरीके से सफर कर रहे हैं. इस चीज के ऊपर बंदे का ध्यान, ऑटोक्रेटिक मैनेजर का ध्यान नहीं होता है. तो ये एक तरीका हो गया किसी भी बिजनेस को चलाने का, ऑटोक्रेटिक या फिर ऑथोरिटेटिव स्टाइल. दूसरा जो था फ्री रेन. फ्री रेन को हम लोग बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव स्टाइल. तो यहाँ ठीक इसका ऑपोजिट होने वाला है. डेमोक्रेटिक में लाइक एक तरीके से जो बंदा होगा वो अपने पावर को डेलीगेट कर देगा डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स में, और वहां पे लाइक सभी लोग अपना बात रख पाएंगे. दे विल बी एबल टू व्हाट वॉइस देयर जो भी है वो चीज वो लोग वहां पे कर पा रहे हैं. ओके. डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज आल्सो कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप. इन डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप डिसीजंस आर टेकन बाय द लीडर आफ्टर कंसल्टिंग विद हिज सबॉर्डिनेट्स. ठीक है ना. यहाँ पे देखो जो डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, यहाँ पे जो डिसीजन लिए जा रहे हैं ये डिस्कस करने के बाद लिए जा रहे हैं. जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ चीजों को डिस्कस किया जा रहा है, फिर जाकर के बंदा जो है डिसीजन ले रहा है कि मुझे ये करना है. तो विद देयर पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन प्रोसेस द पार्टिसिपेटिंग लीडर और डेमोक्रेटिक लीडर एनकरेजेस हिज सबॉर्डिनेट्स टू मेक सजेशंस एंड फर्दर एनकरेजेस देम टू टेक इनिशिएटिव इन सेटिंग गोल्स
एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन. तो ठीक इसका उल्टा है, ऑटोक्रेटिक का उल्टा है वो, ठीक है ना. यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक लीडर है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को एनकरेज कर रहा है कि भाई तुम लोग अपना आइडियाज भी इसमें लगाओ, तुम लोग अपना गोल भी सेट करो, और जो भी लाइक तुम लोग को करने की आवश्यकता है तुम लोग उस चीज को करो. वो लोग बस गोल सेट कर लेता है, उसको अचीव करने के लिए वो लोग अपने अपने तरीके से काम करता है डेमोक्रेटिक स्टाइल में, ठीक है ना. किसी एक बंदे को फॉलो नहीं करना, अपने अपने तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, बट सबका मोटिव एक है कि बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ठीक है. तो इस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेट स्टाइल में, इस तरीके से काम हो रहा है. इट एनेबल्स द सबॉर्डिनेट टू सेटिस्फाई देयर सोशल एंड ईगो नीड्स दैट रिजल्ट इन देयर कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड हायर प्रोडक्टिविटी. द रेगुलर एंड रिपीटेड इंटरेक्शंस बिटवीन द सबॉर्डिनेट्स एंड मैनेजर्स हेल्प इन बिल्डिंग बॉन्ड्स ऑफ फेथ एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है ना. तो एनेबल्स ये तरीके से सबॉर्डिनेट्स को, ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना, बस ये बी पार्ट बस 5 मार्क्स का लग रहा है क्या? 5 मार्क्स का? हां 5 मार्क्स का. ये एक्चुअली एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन देगा, ठीक है. डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग और कमेंट ऑन द फॉलोइंग फॉर्मेट में. कमेंट ऑन द फॉलोइंग 10-5-5 फॉर्मेट में है ना, 10-5-5 फॉर्मेट में. हां 10-5-5 फॉर्मेट में है, समटाइम्स 4-5 वाले फॉर्मेट में भी होगा. ठीक है, तो ये छोटा छोटा है, समझने में भी आसानी है, और एक क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में आपको ये मिलेगा, ये 5-5-5 वाला. अच्छा, ठीक है, तो इसको करना भी इम्पोर्टेंट है. तो ये सबॉर्डिनेट्स को एक तरीके से एनेबल करता है, उन लोगों को मौका देता है कि वो सोशली एक दूसरे के साथ जुड़ सकें. वो लोग जो है साथ में मिल करके जो है जो भी उनका कमिटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के उसको करने के लिए, पूरा करने के लिए लोग जो है काम को करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छी हो जाती है, बिकॉज दे आर लाइक अलाउड टू स्पीक, दे आर अलाउड टू पॉइंट देयर क्या कहेंगे उसको, जो भी आइडियाज हैं उनके, उन सब चीजों को करने के लिए चूंकि उनको अलाउ किया जा रहा है, तो वो लोग भी बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं. जो उनका ईगो नीड्स है, यहाँ पे ईगो नीड्स के बारे में बोला गया है, वो भी उनका पूरा हो रहा है. ठीक है, आप अगर सबॉर्डिनेट हो, एक अच्छे पोजीशन पे हो, तो डेफिनेटली आप चाहोगे कि आपकी बात को कोई सुने, पर अगर कोई नहीं सुनेगा तो ईगो आ जाएगा आप में कि भाई क्यों नहीं सुनेगा, है ना. वो सारी चीजें भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है, जिसके कारण से जो भी उनका कमिटमेंट है वो उस कमिटमेंट को पूरा कर पा रहे हैं. ठीक है, द रेगुलर एंड रिपीटेड इंटरेक्शन बिटवीन द सबॉर्डिनेट्स एंड मैनेजर्स हेल्प इन बिल्डिंग बॉन्ड्स एंड द ऑफ फेथ एंड कॉन्फिडेंस, है ना. तो जब आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा करते हो, बातचीत बहुत ज्यादा करते हो काम को लेकर के, तो आपका आपस में भी बहुत अच्छा एक फेथ और कॉन्फिडेंस बनता है कि ये बंदा जो है अच्छा बात मतलब काम करता है, और एक अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है. तो आप काम भी एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हो, एफिशिएंटली कर पाते हो. जैसे मान लो अगर किसी के बीच में बातचीत ही नहीं हो रही है और काम अगर आप कर रहे हो, तो वहां पे काम करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, है ना. एक बंदा सुबह शाम काम तो नहीं करेगा ना, और अकेले तो वो कर भी नहीं पाएगा, उसको हमेशा किसी ना किसी के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंडेंट होना पड़ता है. तो ये चीज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो रेगुलर इंटरेक्शन की बात की जा रही है, ये रेगुलर इंटरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये रेगुलर इंटरेक्शन अगर होगा, तो डेफिनेटली उन सारे लोगों के बीच में अच्छा फेथ, अच्छा कॉन्फिडेंस आपस में डेवलप हो जाता है, ठीक है ना. ये दोनों का दोनों टाइप ऑफ लीडरशिप था, ऑटोक्रेटिक एंड फ्री रेन. ये एग्जामिनेशन में अगर पूछा गया तो आप इस तरीके से इसको लिखोगे, ठीक है. लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है. ये कितना बड़ा है? ये ज्यादा बड़ा नहीं है, इसी वीडियो में हो जाएगा. ये तो 5 मार्क्स का ही होगा. हाँ, ये भी तो 5 मार्क्स का ही है. ओके, तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. 3 लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं यहाँ पे, 3 तरह के होते हैं. इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, हालांकि यहाँ पे 2 के बीच में नहीं, यहाँ तो 3 दिया हुआ है, ठीक है. मुझे लगा शायद 2 ही यहाँ पे बोलेगा. सो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं. इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, इसको थोड़ा कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा. आ गया, ये रहा. सो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीपल व्हिच अराइजेस ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन डिमांडिंग इक्वल अटेंशन एंड गोल्स एंड दस हैव नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द ग्रुप. इट इंक्लूड्स गोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल कॉन्फ्लिक्ट. 2 चीजें यहाँ पे है. तो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बोला जा रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 2 लोगों के बीच में हो रहा है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में हो रहा है. जनरली 2 लोगों के बीच में ही होता है, ठीक है. बिटवीन द पीपल, अब ये क्यों होता है? ये होता है फ्रस्ट्रेशन के कारण. आप डिमांड करते हो इक्वल अटेंशन के बारे में. सपोज 2 बंदा है, एक बॉस जो है एक के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा, दूसरे के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा,
ठीक है, तो आप में थोड़ी सी यू नो जेलसी आ जाती है कि बॉस जो है सिर्फ उसी की तरफ ध्यान दे रहा है, मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहा, मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ, मेरे एफर्ट को कोई रिकॉग्निशन मिल नहीं रहा है, तो उस चीज को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप जो है दूसरे वाले बंदे के साथ थोड़ा कम बात करोगे या थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कुछ भी बात पे अगर बात नहीं बन पाई, सहमति नहीं हो पाई, तो आपस में झगड़ा हो जाएगा। तो ये इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है ड्यू टू दीज रीजंस, ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन या फिर डिमांडिंग इक्वल अटेंशन, और जो भी आपके गोल्स हैं उसके कारण भी समटाइम्स इंट्रा पर्सनल जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है। और इसका असर जो है समटाइम्स नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी बोला जा रहा है, दस हैव नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप के फंक्शनिंग के लिए समटाइम्स इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हो सकता है। अच्छा, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दो तरीके का है, गोल कॉन्फ्लिक्ट और रोल कॉन्फ्लिक्ट। तो गोल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बोला जा रहा है, गोल कॉन्फ्लिक्ट इज ड्यू टू द एफर्ट्स, गोल कॉन्फ्लिक्ट इज ड्यू टू द एफर्ट्स दैट बीइंग मेड टुवर्ड्स द कॉमन गोल एंड इग्नोरिंग द अदर गोल्स ऑफ द ग्रुप। इट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, डिटेल में बता दिया गया, आई थिंक यहाँ तक भी होता ना तो काफी था। ठीक है, क्योंकि रोल कॉन्फ्लिक्ट को फिर यहाँ पे नहीं किया है, थोड़ा सा हमको देखना चाहिए था। खैर, हाँ तो वो शायद रोल कॉन्फ्लिक्ट ये रह हो गया है। तो गोल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बोला जा रहा है, गोल कॉन्फ्लिक्ट इज ड्यू टू द एफर्ट्स बीइंग मेड टुवर्ड्स वन कॉमन गोल। ठीक है ना, गोल कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होता है क्योंकि आपका फोकस सिर्फ एक और एक ही गोल पे है। ठीक है, दूसरे वाले गोल पे आपका लाइक कोई फोकस नहीं है, तो उस कारण से आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है ना, लाइक किसी भी जो एंड गोल है, जो एंड ऑब्जेक्टिव है, उसको कंप्लीट करने के लिए बीच में छोटे छोटे जो आपके टारगेट्स हैं उसको अचीव करना इंपॉर्टेंट है। तो सपोज एक बंदा सिर्फ एक ही टारगेट को अचीव करने के पीछे लगा हुआ है, जो बाकी के जो टारगेट्स हैं जिनको अचीव करना इंपॉर्टेंट है, जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, उस चीज पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो यहाँ पे गोल को रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो सकता है। ठीक है ना, वही बात यहाँ पे बोली जा रही है। अब गोल कॉन्फ्लिक्ट तीन तरीके का हो सकता है, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये डिटेल थोड़ा चले गए, यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं थी। एग्जामिनेशन में जैसे आपसे पूछा गया, सपोज ये वाला टॉपिक सुना दो, तो इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में ये डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग को बताना है, फिर ये दोनों टाइप बताना है और दोनों टाइप को डिफाइन कर देना है बस। ठीक है, इसके टाइप्स को टाइप्स के टाइप्स को नहीं बताएंगे तो भी चलेगा। ठीक है ना, सिर्फ टाइप्स को डील कर रहे हैं, टाइप्स को डिफाइन कर रहे हैं, काफी है। तो गोल कॉन्फ्लिक्ट तो समझ में आ गया, रोल कॉन्फ्लिक्ट में वही चीज होगा, आप बना करके भी लिख सकते हो कि एक बंदे को एक रोल मिला, दूसरे बंदे को दो रोल मिला और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट किसी तरीके का हो गया। सपोज कि दोनों को साथ में मिल करके काम करना है, वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। दोनों बंदे को एक ही काम मिल गया, ऐसा बहुत ही कम होता है, बट सपोज एक ही काम मिला और बोला गया कि दोनों साथ में मिल करके काम करो, या फिर किसी एक को वो मतलब क्या बोल सकते हैं, जैसे कि ए या बी दो पर्सन है, तो ए को कोई रोल मिल गया, बी को भी कोई एक स्पेसिफिक रोल मिल गया, बी को अपना वाला पसंद नहीं आया, ए वाला पसंद आ गया, वो भी हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह वैसा, तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो हम लोग उस चीज को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। देखो एग्जाम में सुना दो, मैं जो बता रहा हूँ एग्जाम में हूबहू जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही चीज लिखना जरूरी नहीं है। नहीं, हाँ मैं वैसे ही बना कर, मुझे याद नहीं होता, मैं याद नहीं कर पाता। हाँ मुझे मेरे साथ छह में पढ़ के लिखते। हाँ, आपको बस कंसेप्ट क्लियर करना है कि यहाँ पे मुझे ये लिखना है। अब लिखने का तरीका क्या होगा, कौन कौन से एग्जाम्पल्स आप डालोगे, वो सारा का सारा आपका आइडिया है। ठीक है, क्योंकि जो बंदा चेक करेगा ना उसको भी पता है कि मतलब अपना दिमाग बंदे ने लगाया नहीं है, तो वो उसको अगर ऐसा फील होगा तो फिर वो मार्क्स नहीं देगा। ठीक है ना, तो और हाँ जब भी इस तरह के एग्जाम्पल्स हम लोग मतलब जब भी इस तरह का डिफाइन करेंगे तो साथ में एग्जाम्पल्स थोड़ा छोटा देते चलना। ठीक है, ताकि थोड़ा आंसर भी लेंदी हो जाए और बंदे को पढ़ के समझ में भी आए कि नहीं इसको समझ में आया है भाई, है ना, तो ये हो जाएगा। अच्छा, तो इंट्रा पर्सनल हो गया, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर चले आते हैं। इंटरपर्सनल, सो इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, सो द इंटर आ गया, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इज यूजुअली बिटवीन टू और मोर पर्संस इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ परसेप्शन, टेम्परामेंट, पर्सनालिटी, वैल्यू सिस्टम, सोशल कल्चरल फैक्टर्स एंड रोल एम्बिग्युइटीज। तो यहाँ पे तकरीबन वही सारी चीजें हैं जो ऊपर में है, मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे कुछ अलग से बोला गया है, बट इसको अलग से ही लिखना पड़ेगा। ठीक है ना,
तो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इज यूजुअली बिटवीन टू और मोर पर्सन, यहाँ पे दो या दो से अधिक लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम हो रहा है. एक मिनट जरा सा. हाँ ठीक है. इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इज यूजुअली बिटवीन द टू और मोर पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द परसेप्शन. मतलब आपका परसेप्शन किसी चीज को लेकर के कुछ है, दूसरे बंदे का परसेप्शन कुछ और है, डिफरेंस है, तो उस कारण से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के कारण से आपका दूसरे बंदे के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, हो सकता है. ठीक है. आपका टेम्परामेंट, आप सपोज आपका टेम्परामेंट थोड़ा हाई है, आप थोड़ा सा ज्यादा यू नो लाउडली बात करते हो, या आपका जो बात करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, दूसरा बंदा थोड़ा सा शांत स्वभाव का है, थोड़ा तो टेम्परामेंट अलग अलग होता है लोगों का, तो उसके कारण से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. पर्सनैलिटी के कारण से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, किस किसी की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, किसी की लाइक एवरेज है, तो उसके कारण से थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो गया. जो वैल्यू सिस्टम है, काम करने का जो तरीका है, एक बंदा बोलेगा अरे चलना यार इसको छोड़ते हैं करेंगे बाद में, डिले कर रहा है काम को, एक बंदा को नहीं एकदम काम पे काम को सही तरीके से करना पसंद है, तो वो वैल्यू कर रहा है. वैल्यू सिस्टम जो है उसका दूसरे किस्म का है, दूसरे बंदे का दूसरे किस्म का है, तो उस कारण से समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. सोशल कल्चरल फैक्टर्स तो है ही. रोल ऑफ एम्बिग्युटीज, रोल एंड रोल एम्बिग्युटीज. एम्बिग्युटीज का तो मतलब हो गया कि लाइक एक तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट डिफरेंट काम आपको दे दिया जा रहा है, जिसके कारण से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. ठीक है. तो ये चीज हो गया. यूजुअली द सुपीरियर usually the superiors have conflicts with their co-workers and subordinates is due to the personality problem and attitude. ठीक है. तो जो usually जो देखा जाता है businesses में कि जो जो conflict होता है superiors का अपने co-workers के साथ या subordinates के साथ, वो generally personality problem और attitude को लेकर के होता है. तो उसका जो काम करने का तरीका है, उसका जो attitude है किसी चीज को लेकर के, है ना, वो चीज सही नहीं है. पर्सनैलिटी उसकी सही नहीं है. पर्सनैलिटी इन द सेंस पर्सनल नहीं, मतलब पर्सनैलिटी उसको काम करने का अप्रोच के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है. ठीक है. कि कोई बंदा सपोज डिले किया जा रहा है काम को, ठीक है ना, तो उस चीज को लेकर के यहाँ पे होता है. एटीट्यूड को लेकर के होता है. तो इस इन सारी चीजों के कारण इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है. देर आर फोर सोर्सेज ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. दे आर, अब इसके चार सोर्सेज हैं. पर्सनल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लोगों के बीच में पर्सनल डिफरेंस है तो उसके कारण से होगा. इंफॉर्मेशन डिफिशियंसी, एक बंदे को बहुत ज्यादा पता है, दूसरे को नहीं पता है या कम पता है. बोलते हैं ना आधी जानकारी ज्यादा खतरनाक है. किसी के पास आधी जानकारी है, किसी के पास फुल है, तो आपस में जब ये लोग डिस्कस करेंगे, आपस में जब ये लोग डिस्कस करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. किसी भी मैटर पे हो सकता है, पॉलिटिकल, सोशल, किसी भी बारे में. अगर बिजनेस के बारे में अगर बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन अगर किसी के पास कम है तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. ठीक है. रोल रोल इनकम्पैटिबिलिटी, किसी को जो रोल दिया गया वो उसके साथ एक तरीके से कंपैटिबल नहीं है. ठीक है. रोल इनकम्पैटिबिलिटी के कारण होता है. एनवायरमेंटल स्ट्रेस के कारण हो सकता है. सो दीज आर द फोर सोर्सेज, फोर फैक्टर्स बोल सकते हैं, जिसके कारण से इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे डिफरेंस हम लोगों को इन्हीं दोनों के बारे में बोला गया था करने के लिए, बट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की जब बात की जा रही है तो टोटल कॉन्फ्लिक्ट जो है तीन तरीके का होता है. इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल हम लोगों ने कर लिया, और तीसरा है इंटर ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. तो यहाँ ग्रुप्स के बारे में बात की जा रही है कि ग्रुप्स आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है दो ग्रुप्स के बीच में. सो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट इज, अच्छा एग्जाम में अगर आपसे ये दोनों पूछा गया तो यही दोनों लिखना, तीसरा नहीं लिखने से भी चलेगा. ठीक है ना, फिर भी इसको थोड़ा समझ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, अच्छा रहेगा. ठीक है. इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट इज वन विच इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स. ठीक है ना, तो दो ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दो डिपार्टमेंट्स के बीच में या दो सेक्शंस के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसे हम लोग बोलेंगे इंटर ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट. और ये होता है सेल्स डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है. परचेस डिपार्टमेंट का जो आपका सेल्स डिपार्टमेंट है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. ठीक है ना, तो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच में भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसी को हम लोग इंटर ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट हम लोग बोलेंगे. दीज टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर वेरी मच विजिबल एंड आर वेरी फ्रीक्वेंट टू ऑकर इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बहुत ज्यादा विजिबल होता है, बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है, होते रहता है. ठीक है ना. द रीजन ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर टास्क इंटरडिपेंडेंस. ये तो होना ही है. ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि परचेस का सेल के साथ या परचेस का सेलिंग के साथ
प्रोडक्ट परचेस का प्रोडक्शन के साथ, सपोज आपने परचेस डिपार्टमेंट सामान परचेस कर लिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अब सामान बनाना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं बना पा रहा है ड्यू टू सपोज कोई डिफेक्टिव आइटम जो है परचेस डिपार्टमेंट ने परचेस कर लिया, तो उसको लेकर के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं बना पा रहा है, तो इस चीज को लेकर के कंफ्लिक्ट हो गया कि भाई तू मुझे देगा सामान तब तो मैं सामान बनाऊंगा, तो इस चीज को लेकर कंफ्लिक्ट हो गया। तो ये बहुत ही फ्रीक्वेंट है, और चूंकि ये सारा डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपेंडेंट है परचेस डिपार्टमेंट के ऊपर, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस दे प्रोवाइड देम द रॉ मटेरियल्स दे कैन नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स। सिंपल सा बात है। तो इंटरडिपेंडेंस की बात की जा रही है, टास्क एम्बिग्यूटी की बात की जा रही है, गोल इनकम्पैटिबिलिटी की बात की जा रही है, तो ये दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द रीजंस जिसके कारण से ये जो है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉम्पिटिशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, ये भी समटाइम्स होता है कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, तो आपस में कॉम्पिटिशन चल रहा है कि उस रिसोर्सेज को कौन इस्तेमाल करेगा, तो ये एक पॉइंट हो गया। कॉम्पिटिटिव रिवॉर्ड सिस्टम, इसके कारण तो होता ही है, ये तो होता ही है, ये एक्चुअली क्रिएट ही किया गया था कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये मतलब मोटिवेशन के तरह यूज मतलब होने के लिए वो हुआ था, लेकिन अभी तो कॉन्फ्लिक्ट ही होता है थोड़ा सा, कॉन्फ्लिक्ट ही हो जाता है आपस में। कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको कुछ दे दो, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर या फिर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ऐसे वो मोटिवेशन उस पे था टॉपिक पे। जी 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 बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा लेक्चर था, जिसमें पहले वीडियो में हम लोगों ने पहला टॉपिक कर लिया, दूसरे वीडियो में हम लोगों ने बी और सी ये दोनों भी कर लिया। कहाँ गया? अच्छा, ये रहा ऑटोक्रेटिक फ्री रेन स्टाइल, बी और सी था हमारा इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन के साथ हम लोग करेंगे, और अगला क्लास जैसे शाम के टाइम में ना सुनान दो, मैं थोड़ा सा बिजी रह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो 9 बजे से तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा अभी, तो सुबह में ही हम लोग कर लेते हैं, आज सैटरडे जैसे हो रहा है सैटरडे को कर लेंगे, और किसी दिन और आप एक बताइए, एक दिन और करते हैं। हाँ हाँ, एक दिन और अगर करेंगे आप कोई भी दिन सुबह एक्सेप्ट फॉर संडे, आई गेस आप कोई भी सुबह कर सकते हो, संडे एक्सेप्ट संडे किसी भी दिन हो सकता जा रहा हूँ। हाँ हाँ, तो कल मैं जा रहा हूँ और मैं कल ही लौट जाऊंगा, लेकिन कल सुबह मैं जाऊंगा एकदम, वहाँ पे मेरा क्लास रहता है, म्यूजिक क्लास रहता है कोलकाता में, सीखने जाता हूँ, तो वो होगा। रविवार को छोड़ कर मेरा और ज्यादातर सुबह हमेशा खाली है, बस अब पिछला दिन थोड़ा बता दीजिएगा कि मैं इस दिन कराना चाहता हूँ, मेरा पूरा ही वीक खाली रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता।